इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, है ना। आईबी एसीआईओ का एग्जामिनेशन जो यहाँ पे आपको पता था यहाँ पे अभी होना था, तो उसके लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे आउट हो चुके हैं। यहाँ पे इस सेशन में आप लोगों को मैं ये बता दूंगा, ये समझा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग आईबी एसीआईओ का जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड होगा, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से जो लोग यहाँ सेशन से जुड़ते जा रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट खबर है, तो अपने दोस्तों में जल्दी से फैला दो। जिसने भी यहाँ पे जो लोग तैयारी कर रहे हो, है ना, आई बी एसीआई की यहाँ पे फॉर्म भरा था, उनको बता दो, उनके साथ ये सेशन का लिंक जल्दी से शेयर कर दो। फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये जो अपना एडमिट कार्ड रहेगा उसको डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से गाइज ये काम कर दो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग साक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग द टाइटन किंग। सर शिफ्ट मेंशन नहीं है एडमिट कार्ड में, बिल्कुल मैं ये बात जानता था, और ये बात काफी लोगों के मन में अभी ये सवाल आएगा जो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं अभी उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। जल्दी से गाइस इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। सुबह सोमदेव, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग सौम्या जी, नमस्ते सौम्या जी, प्रवीण, एंड जल्दी 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 से गाइस इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करो। डन लिख दो यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सेशन अपना। ठीक है, जल्दी से गाइस आप लोगों को इसको शेयर करना है सेशन को। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग सचिन, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल इस सेशन में आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, शिफ्ट नहीं दिया है, मैं जानता हूं, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, शिफ्ट नहीं दिया तो इस सेशन में अच्छे से बताने वाला हूं। जीके मैराथन अभी होगी 1 बजे दोपहर से होगी। चलो देखो, सबसे पहले पहले तो एक बात बता दूं, जिसको नहीं पता है कि कहां से हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सेशन यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आप क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्ट आपको वहीं पे पहुंचा दिया जाएगा वेबसाइट पे, जहां से आप डायरेक्टली अपना जो एडमिट कार्ड होगा उसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको और प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर जिसमें अगर आप अपनी डिटेल्स वगैरह भर सकोगे तो बिल्कुल आपको फायदा रहेगा। जो भी आपका एग्जाम कब होगा, जिस तरीके से होगा, वो चीजें वहां पे बात करते हैं। ठीक है, सैटरडे, ओके, हाँ चलो, तो ये बात है। अब देखो यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले तो जैसे ही जो लिंक आपको दिया जाएगा, शिफ्ट का कंफ्यूजन काफी लोगों को हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, और उसके लिए परेशान मत हो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, आपको जो लिंक प्रोवाइड किया गया उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो आपको दिखेगी, इस तरीके का आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, मतलब आप इस तरीके का स्क्रीन देखोगे और यहाँ पे आपको अपना कुछ नहीं करना है, यूजर आईडी जो आपको मिला होगा वो डालोगे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। ठीक है, दोनों डिटेल्स को फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन पे प्रेस करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, सर शिफ्ट एग्जाम से 2 दिन पहले, हाँ बिल्कुल शेखर शास्त्री जी ने यहाँ पे बात सही बोल दी है। देखो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा वेब पेज दिखेगा, इस तरीके का वेब पेज दिखेगा जिसमें आपका ये एप्लीकेशन डिटेल्स होंगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे, ये सिटी इंटीमेशन है कि मतलब कौन से शहर में, और यहाँ अब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, एडमिट कार्ड की डिटेल्स इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाली है, और ये आपका जो रहेगा नीचे आपको दिख जाएगा कि ये आपका सेंटर है, ये दिख रहा है आपका, ये सेंटर है, इस तरीके से आपको दिखेगा जिसने जिसने यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद बता दूं एडमिट कार्ड पे डाउनलोड का जो रहेगा ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे भर दोगे, आप मतलब यहाँ पे देख लोगे, आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड होगा, जिसमें आपकी डिटेल्स यहाँ वही पर्सनल डिटेल्स, नेम आपका जो रहेगा, फादर्स नेम या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो रहेगी, है ना, तो ये पूरा रहेगा, और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और इस तरीके से आपके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। सारी डिटेल्स को एक बार मैच कर लेना, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो बाद में आप ही की गलती निकलेगी, तो इसलिए एक बार देख लेना। एडमिट कार्ड में नाम वगैरह है, फोटो ब्लर नहीं आई है, फोटो के नीचे जो डेट है वो सही है, मतलब जो आपने जिस डेट पे मतलब आपने फोटो वो अपलोड करी थी उसी हिसाब से है, है ना, पूरा का पूरा डिटेल मतलब इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जैसे फोटो के नीचे बोला था ना कि फोटो के नीचे डेट होनी चाहिए, तो वो डेट वगैरह देख लेना एक बार, तो ये सारी डिटेल्स रहेंगी। यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपका ये जो है मतलब जहाँ पे एग्जाम है, एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस रहेगा, डिटेल्स देख लोगे। लेकिन यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि प्लीज राइट द शिफ्ट हेयर, काफी लोग कहेंगे कि सर शिफ्ट ब्लैंक है, ये क्या अपनी मर्जी से हम लोग शिफ्ट भर सकते हैं कि मुझे पहली शिफ्ट में एग्जाम देना है, मुझे दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देना है, या तीसरी शिफ्ट में एग्जाम देना है, क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो आगे लिखा है क्या, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ध्यान से देखो, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और ये तीसरी शिफ्ट, 1:30 बजे दोपहर से 2:30 बजे दोपहर तक यहाँ पे मतलब एग्जामिनेशन टाइम यहाँ पे 3 बजे से मतलब होगा। ठीक है, ये तो रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम है जो आपको यहाँ पे देख रहे हो। यहां आपने देखा है ये लिखा हुआ है कैंडिडेट विल रिसीव देयर शिफ्ट डिटेल्स, अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं पता है,
अभी यहां पे शिफ्ट नहीं पता, अभी आपको डेट पता है। तो मैं बता दूं कैंडिडेट्स को, उनकी जो शिफ्ट की डिटेल्स होंगी 2 दिन पहले या तो ईमेल के थ्रू और यहां पे एसएमएस के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी 2 दिन पहले, ठीक है। 2 days prior to the examination, the shift detail will also be uploaded in the candidates login portal. अभी जो login portal आपने जहां पे login किया ना, जहां पे अभी shift detail लिखी नहीं है, 2 दिन पहले वहां पे details भी आ जाएंगी। तो अभी आपकी shift की detail आपको नहीं बताई है, बाकी आपका examination center बता दिया, ये admit card में इतनी चीज अभी पता लग गई है। आई बात लोगों, सब लोगों को समझ में, वही हम सोचे कि जाना कब है ना। हम बिल्कुल, सब लोगों को लगा होगा यार कौन सी, अब हमें क्या अपनी मर्जी से शिफ्ट भरनी, अपनी मर्जी से नहीं भरनी है, खुद 2 दिन पहले वो खुद पता लग जाएगा आपको, ठीक है। 2 दिन पहले खुद पता लग जाएगा, तो ये बात है, ठीक है। चलो, तो इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, बाकी आप लोग देख लो, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कंपल्सरीली ये सब चीजें लेके आनी है, तो इनका ध्यान रख लेना। चीजें मैं बता देता हूं, देखो सबसे पहले तो एक एडमिट कार्ड तो आपको लेके ही जाना है, प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। मैसेज आएगा तो भरेंगे क्या, मैसेज आएगा कि आपका दूसरी शिफ्ट में है तो दूसरी शिफ्ट भर देना, तीसरी शिफ्ट में है तो तीसरी भर देना, पहली आए तो पहली भर देना, ये मैसेज आपके पास आएगा। ये हमको नहीं पता है कि आपका पहली शिफ्ट में होगा, दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, ठीक है। सर एडमिट कार्ड में तो शिफ्ट लिखी आई है तभी डाउनलोड करें, सुबह आप देख सकते हो, है ना। अगर डिटेल भरनी हुई तो भर देना, वरना हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है यही एडमिट कार्ड है, शिफ्ट जो आएगी उसको आपको लिखना पड़ेगा पेन से, ठीक है, मुझे ये लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा डिसीजन है, और इससे बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, बिल्कुल, है ना। चलो, तो एक चीज देख लो यहाँ पे, अच्छे से देख लो यार क्या क्या चीजें मांगी है। यहाँ पे बाद में मत कहना कि सर हमको ये पता नहीं था, हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया, उन्होंने बोला एग्जामिनेशन सेंटर पे कंपल्सरीली ये सब चीजें लेके जानी। क्या क्या, देखो प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, एक फेस मास्क होना चाहिए, हैंड ग्लव्स बोले कंपल्सरीली है, तो यहाँ पे अभी नहीं पता है, बिल्कुल आपको देखो रखना पड़ेगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर एक आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी उसमें होना चाहिए, जिसमें मतलब इंस्ट्रक्शन में जो जिस तरीके से बोल रखा है वैसे ही यहाँ पे एक ओरिजिनल फोटो आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और देखो यहाँ पे क्या है, पीटी जो वाटर बॉटल होती है ना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होती है, वो हो जाएगा, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आइडेंटिकल होनी चाहिए, जो अपलोड करी है, जो आपने अपलोड करी ना, ये जो फॉर्म आपने मतलब ये जो आपका एडमिट कार्ड होगा, ये यहाँ पे आपकी फोटो हो, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे फोटो है, यही वाली फोटो आपकी होनी चाहिए, यही वाली फोटो आपकी होनी चाहिए। तो ये बात आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो कुछ जरूरी था मैंने आपको बता दिया है। अभी भी कोई मन में डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई सवाल लग रहा हो कि यार हमें अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई, तो पूछ लो यहाँ पे, बाकी बता देते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जितनी थी मैंने बता दी है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बोली हुई है, काफी लोगों के साथ हो सकता है, यहाँ पे बोला गया है कि जो फोटो आपकी एडमिट कार्ड में आई है ना, हो सकता है वो क्लियर ना हो, ब्लर हो, ज्यादा क्लियरली ना दिख रही हो, तो उस केस में क्या करें, तो साफ साफ बोला है यहाँ पे क्या करिएगा, 2 यहाँ पे पासपोर्ट साइज, ठीक है, इन केस द स्कैंड फोटोग्राफ डज नॉट अपियर क्लियर इन द ई एडमिट कार्ड, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके चले जाओगे तो अभी एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी, अगर यहाँ पे फोटो क्लियर नहीं आई है तो। ये सारी चीजें देख लो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारी, ठीक है। तो वही चीज है, बाकी तो आप लोगों को पता ही, यहाँ पे फिर से बताइएगा प्लीज। सुकांत, एक मैं बताता हूँ, एक फीचर यूट्यूब का बताता हूँ, आप पीछे करके देख सकते हो, है ना, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं, सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने बता दी है, ठीक है। तो शिफ्ट का कैसे पता चलेगा, करण यादव जी, शिफ्ट के लिए 2 दिन पहले आपके पास SMS और यहाँ पे ईमेल आ जाएगा IB की तरफ से कि आपका इस दिन एग्जाम है, मतलब इस शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है। सर शिफ्ट खुद चूज करनी है, नहीं नहीं गौरव, खुद नहीं चूज करनी भाई, इतना इतना प्रावधान नहीं दिया जा रहा है अभी सरकार के द्वारा, अभी तो आप लोगों को यहाँ पे 2 दिन पहले पता लगेगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है। अभी इतना आराम नहीं है कि मतलब अपने मन से बोलो भैया हम पहली शिफ्ट में नहीं आएंगे, हम दूसरी में आएंगे, क्योंकि हमारी नींद नहीं खुलती है, ये रीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो डिटेल्स तो मैंने बता ही दी है यहाँ पे गाइस, इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो आगे, ये है इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दिया, बाकी जो एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ ही सकते हो, जो बेसिक वो रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह COVID-19 को लेके जो कुछ है, सर जो इंस्ट्रक्शन पर है वो लेके जाना है, बिल्कुल मनीष यार, अब देखो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तो वही बात है, ठीक है, लिखा हुआ है कंपल्सरीली, तो मतलब ये समझो कि ये सारी चीजें लेके जानी जो मैंने आपको अलग से बताई है, ठीक है। फर्स्ट पेज लेके जाना है सक्षा जी, ठीक है, फर्स्ट पेज लेके जाना है, पूरा नहीं लेके जाना, ठीक है, ओके। प्रिंटेड एंड ओरिजिनल ऑफ ई आधार, हाँ प्रिंटेड लेके चले जाना, चल जाएगा वो तो सर, अभी तो
ठीक है, देखो कुछ डाउट्स वगैरह और कुछ हो तो प्लीज पूछो, बताओ, देखते हैं। ग्लव्स जरूरी है यार, धीरे धीरे जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है तो यार इतना तो देखना पड़ेगा, है ना, कंपलसरी लिखा हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा लेके चले जाओ वहां पे, अगर हुआ सेंटर पे मतलब कोई दिक्कत हुई तो फिर क्या ही फायदा है ना, ग्लव्स की वजह से अगर एंट्री ना मिले, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन अब लिखा हुआ है।